अच्छा गेम खेलती है, गेम कहाँ वो दिल से करती है जो भी करती है, तो मैं गेम तो नहीं बोलूँगा सकते हो, बट स्टार्डम संभालना तो आना चाहना चाहिए। या ओबियसली थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी हियर एंड आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं बहुत एक्साइटेड भी था आते हुए कि जो गेम्स यहाँ पे होते हैं हम कहीं ना कहीं मोबाइल में खेलते थे और कहीं ना कहीं बचपन में अलग टाइप के गेम्स खेलते थे, तो अभी सामने सामने भी खेलेंगे। बहुत कम टाइम मिलता है जब एक साथ सब इकट्ठा होकर ऐसे गेम्स खेलते हैं, तो आज वो दिन है। कौन सा गेम आपका फेवरेट है? मैं बॉलिंग बहुत पसंद करता हूँ, बाकी तो कहीं से भी कुदा दो कहीं भी चढ़ा दो तो वो सब अच्छा ही लगता है। ऑब्वियसली बचपन से स्पोर्टी हूँ काफ़ी, क्रिकेट बहुत खेलता था बचपन में और गोटियाँ बहुत खेलता था बचपन में, मैंने सारे गेम्स खेले हैं एंड आई एम अ गुड प्लेयर। या टॉप फाइव मैंने देखे हैं एंड सारे डिजर्विंग हैं, मनीषा उनमें मैं चाहता हूँ जीते क्योंकि मेरी अच्छी फ्रेंड है और अच्छा गेम खेलती है, गेम कहाँ वो दिल से करती है जो भी करती है, तो मैं गेम तो नहीं बोलूँगा। एंड ऑब्वियसली सब लोग उसको प्यार करते हैं तभी वो वहाँ तक पहुँची है, तो आगे वो जीते मैं चाहूँ। एक्चुअली उसके लिए ये सब नई चीज़ है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, उसकी जगह कोई और भी होगा तो वो कहीं ना कहीं खो जाएगा, वो डर जाएगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है और मैं क्या करूँ। तो अगर वो टैलेंटेड है मैं मानता हूँ, वो उस मैच्योर है मैं मानता हूँ, बट उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो उसको संभालना, कहते हैं ना आप स्टार बन सकते हो बट स्टारडम संभालना सबके बस की बात नहीं होती, तो अच्छे अच्छे स्टार बनने के बाद कब गायब हो जाते गिर जाते हैं क्योंकि वो संभाल नहीं पाते। तो अगर वो अभी इन चीज़ों को समझ गई, समझना स्टार्ट करे, उसके साथ एक अच्छी टीम जुड़े, अच्छे लोग जुड़े, उसको अच्छी गाइडेंस मिले, तो वो हर चीज़ संभाल लेगी, मैं जानता हूँ। सॉरी मैंने ज़्यादा उनका बॉन्ड नहीं देखा क्योंकि मैंने शोज़ पूरे नहीं देखे हैं, बट सुना है, तो अगर कुछ है तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे। मैंने अभी वापस से मैं दोहरा रहा हूँ कि आप नहीं दबा सकते, आप टैलेंट नहीं दबा सकते, आप एक अच्छी खुशबू नहीं दबा सकते, जब वो आती है निकल के तो कहीं से भी आ सकती है, तो हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को गिराएं या दबाएं, सब ऑडियंस के हाथ में होता है, तो ऑडियंस जो चाहेगी वो करेगी। रोज हमें अलग अलग वोटिंग ट्रेंड देखने मिलते हैं, कभी ऐसा लगता है कि मनीषा टॉप पे, कभी ऐसा लगता है कि वो इफेक्ट हो जाएंगी, आप वोटिंग अपील करना है गाइस? मैं तो चाहूँगा कि सब लोग विनर बने, मैं कहीं ना कहीं कुछ लोग को भी जानता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त भी रहे हैं बिग बॉस में, बट अभी अगर मैं किसी एक को चूज़ करूँगा तो मैं मनीषा को ऑब्वियसली चूज़ करूँगा, वो ज़्यादा मेरे क्लोज़ है, तो प्लीज़ गो एंड वोट फॉर हर, उसको विनर बनाएं, बहुत सारा प्यार दे जैसे आप देते आ रहे हैं। बहुत बहुत लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, आपको सिर्फ फोकस करना है, आगे बढ़ते रहना है, आपको बहुत सारे लोग उंगली भी करेंगे गिराने की, आपको पलट के किसी को जवाब नहीं देना है क्योंकि जवाब आपका काम देगा, तो बस हार्डवर्क करें और आगे बढ़े। या